आगरा से एक बड़ी खबर, पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान किसी भी बांग्लादेशी के पास दस्तावेज नहीं मिले, सभी ने यहां आधार कार्ड बनवा लिए थे। ये बांग्लादेशी लंबे समय से आगरा में रह रहे थे, तो अवैध तरीके से रह रहे थे आगरा में ये सभी, जिस पर ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, बताया जा रहा है कि ये सभी एक लंबे समय से यहां रह रहे थे, 32 बांग्लादेशी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें भी आपके सामने, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला है, ये 32 बांग्लादेशी जिन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने पूछताछ में, इनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला। सभी ने यहां पर, क्योंकि लंबे समय से रह रहे थे, तो आधार कार्ड भी बनवा लिया था, लेकिन जब पूछताछ हुई, जब जांच हुई, तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई है और सभी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आगरा पुलिस ने इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 28 बांग्लादेशी नागरिक जो आगरा में अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिनके पास निवास करने हेतु डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 35 फर्जी आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध 419, 420, 467, 471 आईपीसी के सेक्शन में तथा 14C विदेशी विषयक अधिनियम के सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।